आपने देखा कि चंद दिन पहले अल्लाह ताला के फजल करम से आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की डील बेपनाह काविशों के बाद वो एक मंतकी इंजाम पर पहुंची। उसके लिए मैं अपनी काबीना के तमाम ऑनरेबल मेंबर्स को और ख़ास तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब को और उनकी टीम को और मुतलका जो हमारे वजारते हैं उन सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि शबाना रोज मेहनत के बाद अल्लाह ताला ने ये अपना ख़ास कर्म फरमाया और आईएमएफ के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ। तो $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे और पहली किस्त जुलाई में 1.1 बिलियन डॉलर की होगी। इसमें जिस तरह मैंने कहा कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने और उनकी टीम ने शबाना रोज़ मेहनत की और यकीनन मेहनत अल्लाह ताला रायगा नहीं जाने देते, इसी तरीके से हमारी काबीना के मुअज़्ज़ज़ फॉरेन मिनिस्टर ने उन्होंने सफारती सतह पर भरपूर काविशें की जिसका मैं ख़ुद ना सिर्फ गवाह हूँ बल्कि मेरी इस सिलसिले में आज नहीं पिछले कई माह पहले इस हवाले से गुफ्तगू हुई फॉरेन मिनिस्टर साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से, और उनकी काविशें इस हवाले से बड़ी कीमती हैं। और अभी कल फिर मुझे मैसेज मिला बिलावल भुट्टो साहब का, उनको फॉरेन सेक्रेटरी ने ये मैसेज मुझे दिया डायरेक्टली भी और फातमी साहब के ज़रिए भी कि यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी ने ये पूछा है कि मज़ीद पाकिस्तान को इस बारे में कोई मदद चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ। ना सिर्फ मैं एमडी आईएमएफ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का और उनकी टीम का अपनी तरफ से और अपनी काबीना की तरफ से उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं फॉरेन मिनिस्टर साहब उनकी टीम का और यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि अब हमें सारे काम हो चुके हैं, अब मज़ीद इसमें ज़रूरत नहीं, अब हमें कागज़ी कार्रवाई करनी और कुछ एक दो और मामलात इस सिलसिले में करने हैं।